अपनी मर्दाना ताकत को, अपनी जिस्मानी ताकत को फौलादी बनाने के लिए राजाओं वाला बादशाह उपाय लेके आपके बीच में आया हूं। ये उपाय अगर आपने कर लिया तो ना कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई दूसरा उपाय ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई मेडिसिन खानी पड़ेगी, ना ही आपको जो फोर्स बढ़ाने वाली यानी कि पावर बढ़ाने वाली जो दवाइयां आती हैं आजकल मार्केट में, ना वो खानी पड़ेगी। ये मेरा खुला चैलेंज है, बिल्कुल गारंटी है। ये उपाय अगर आपने लेना चालू कर दिया, अब दोस्तों तीन चीजें आपने लेके आनी है। पहले आप पंसारी की दुकान से तीन चीजें लेके आइए। सबसे पहले आपने लेके आना गोखरू, अच्छी क्वालिटी का गोखरू का बीज के ऊपर में छोटा छोटा कांटा होता है, इसकी पहचान ये होती है। गोखरू आपने लेके आना है 300 ग्राम। इसके अलावा आपने लेके आना है सतावर 300 ग्राम और मिश्री आपने 200 से 300 ग्राम। मिश्री कौन सी, धागा मिश्री भी ला सकते हैं या फिर कूजा मिश्री यानी दानेदार मिश्री भी आप लेके आ सकते हैं। अब इन चीजों को लाके रख लीजिए। अब हम बात करते हैं कि ये कहां पे कार्य करेंगी। अब दोस्तों जो लड़के स्वपन दोष की बीमारी से परेशान है, जिनके अंदर में स्तंभन शक्ति बिल्कुल नहीं है, इरेक्टाइल की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, इसके अलावा जैसे ही डाला वैसे ही सखलित हो जाते हैं, वैसे ही वीर्य निकल जाता है, यानी कि इरेक्टाइल की समस्या को दूर करने के लिए, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन को दूर करने के लिए जिनका डालते ही निकल जाता है, सखलित हो जाता है, इसके अलावा लॉन्ग टर्म तक करने के लिए, लॉन्ग टाइम तक, कम से कम आधे घंटे तक करने के लिए, इसके अलावा बहुत शरीर में ताकत भरने के लिए ये उपाय है। मर्दाना, असली मर्दाना ताकत भर देगा एक एक कण के अंदर, एक एक ब्लड के कतरे के अंदर में। अब 300 ग्राम की जो दो चीजें आप लेके आए हो, जिसमें आपने गोखरू और सतावर जो मैंने बताया, ये 300 ग्राम, इसको आपने अच्छे से पीस के, दोनों को बारी बारी करके पीसिए, पाउडर बनाइए, छन्नी में से छान के दोनों को मिक्स करके आप रख दीजिए, किसी डिब्बे में डाल के आप रखिए। उसके बाद दोस्तों आपने 250 ग्राम दूध लेना है। 250 ग्राम दूध को आपने उसके अंदर में 2 बड़ा चम्मच इस पाउडर का डाल देना है और 2 चम्मच आपने मिश्री का डाल देना है। कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए आप उसको धीमी आंच पे अच्छे से पकाते रहिएगा। जब अच्छे से पक जाए उसको छान के और हर रोज सुबह खाली पेट इसका सेवन करना चालू करिए। मर्द बन जाओगे मर्द, ये ऐसा उपाय मैंने आपको दे दिया है। अब दोस्तों इस नुस्खे के और भी कई सारे फायदे हैं, जिन मर्दों को, जिन व्यक्तियों को, जिन महिलाओं को भी अगर हृदय रिलेटेड प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ये कार्य करता है। इसके अलावा स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें भी कार्य करता है, बदहजमी की प्रॉब्लम रहती है उसमें भी कार्य करता है, हमेशा वीकनेस बनी रहती है बॉडी के अंदर में वहां पे भी ये कार्य करता है। इसके अलावा शरीर में एनर्जी जिनको बिल्कुल भी नहीं है तो वहां पे तो बहुत सॉलिड तरीके से कार्य करने वाला ये नुस्खा है। अब देखिए परहेज की बात कर लेते हैं। परहेज करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि दवाई लेना इंपॉर्टेंट है। अब परहेज में आपने 2-4 चीजें अवॉइड करनी है। जैसे कोई भी अगर नशा करते हैं तो नशा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके साथ में चाय कॉफी को साइड में फेंकिए। इसके अलावा कोई भी मैदा या मैदे से बनी हुई चीज का सेवन आपने नहीं करना है। कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर में बहुत ज्यादा स्पाइसीज हो, मिर्च मसाला हो, तो ऐसी चीजों का सेवन आपने नहीं करना है। और ऐसी चीजें जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है, यानी बहुत ज्यादा गर्म प्रकृति वाली जो चीजें होती है, गर्म तासीर वाली चीजें होती है, तो ऐसी चीजें खाने से बचिए। इंग्लिश मेडिसिन खाने से बचिए। पावर बूस्टर वाली जो टैबलेट होती है वो बिल्कुल खत्म कर दीजिए, फेंक दीजिए, कभी जिंदगी भर जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ये नुस्खा मैंने आपको दिया है। तो दोस्तों इन दवाइयों को बना के आप इस्तेमाल करिए। जो जो चीजें मैंने अवॉइड करने को बोला वो चीजें अवॉइड करिए। मर्दाना ताकत से भर देगा ये छोटा सा उपाय। और ऐसी जानकारी दोबारा पानी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे वाले बटन को जरूर दबाइए और लाइक और शेयर भी प्लीज कर दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि लाइक और शेयर करने से मुझे सपोर्ट मिलता है आप लोगों का, कि आप लोग मेरे साथ में खड़े हो गए, डटे हो गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।